हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो है। जैसा कि कल न्यू मून है और इस न्यू मून पर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन का जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगी जो अवेकनिंग है डिवाइन मैस्कुलाइन की, बिल्कुल पीक पर है। और इस टाइम में डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलना या थर्ड पार्टी की वजह से परेशान रहना, उन सब चीज़ों में नहीं है। उनके खुद के ब्लॉकेजेस, उनके खुद के वूंड्स, उनके खुद के इश्यूज़ यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। पर्जिंग चल रही है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन। और जो ये बॉडी पेन है ना, ये बिल्कुल हड्डी तोड़ वाला पेन है। मतलब आपको इस पेन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, इस तरीके का पेन। जैसे कि आपकी जब अवेकनिंग आती है, आप उस पेन को समझ सकते हो। डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती है। जब आप अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हो, आपको जो पेन होता है ना, एक नॉर्मल पेन नहीं होता है, एकदम ऐसा पेन होता है जो आपको बिल्कुल, आप कुछ भी करेंगे या किसी के कहेंगे भी, समझाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं समझ सकता उस पेन को, ठीक है। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाई लेते हैं, कुछ टाइम के लिए वो ठीक हो सकता है, बट वो फिर से आपको फील भी हो सकता है जब तक उसकी पूरी तरीके से क्लेंजिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर भी गिल्ट में जाना, या मिस्टेक जो उन्होंने की है बहुत ही ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में, ठीक है, डीप थिंकिंग जो पास्ट में उन्होंने की थी चीज़ें, ठीक है, उसकी वजह से उनको जो आज प्रेजेंट है उसमें उनको रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट में ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन जा रहे हैं, यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को देख रहे हैं। उन्होंने जो जो डिसीज़न लिए थे पास्ट में अपनी लाइफ में, फैमिली की वजह से लिए थे या किसी फ्रेंड की वजह से लिए थे, तो उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट के साथ गए थे और बहुत ही ज़्यादा उनको एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में भी इसीलिए डिवाइन ने डाला है, ताकि वो इन सब चीज़ों में डीपली जा सकें, खुद को समझ सकें। हर्मिट मोड में है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। और कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी, मतलब न्यू बिगनिंग भी है, बट न्यू बिगनिंग से पहले जो आपका फ्यूचर है, जो आपका प्रेजेंट है, उसमें रहने के लिए आपको पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है, पास्ट को छोड़ना है, ठीक है। तो अभी तक थर्ड पार्टी के साथ जो डीएम आगे बढ़े थे, बहुत ज़्यादा फियरलेस होके, कॉन्फिडेंट के साथ, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है बहुत सही लिया है, उन्होंने लाइफ में जो किया है बहुत सही किया है, बट अब उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी थर्ड पार्टी को चुन के या थर्ड पार्टी में जाकर, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो है, पॉजिटिव पॉइंट जो है, वो ये है कि थर्ड पार्टी की वजह से वो फियर में नहीं है। अगर उनको इस टाइम एक्शन भी लेना होगा थर्ड पार्टी को लेकर, तो वो लेंगे। जैसे फियर में रहना, अटैचमेंट में रहना, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट थर्ड पार्टी से, कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, कि उनको छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ने का डर या थर्ड पार्टी के बिना रहने का डर, वो चीज़ें अब आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एक्शन की एनर्जी, स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि दिखाता है आपके पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, पावर थी थर्ड पार्टी के आने की वजह से, वो सब बिल्कुल एक तरीके से लॉस हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा फियरलेस, फियर में जा रहे थे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा उनके अंदर करेज नहीं था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे चीज़ों को लेकर, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही थी। तो अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आइसोलेशन में है, ये उनके बेटर के लिए ही हो रहा है। अगर ये डिवाइन नहीं करते तो वो अपनी जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं, पास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिए थे, या पास्ट में आपको इग्नोर किया था, आपकी बातों को इग्नोर किया था, आपको उन्होंने सुना नहीं या सुनकर भी इग्नोर कर दिया। इवन बहुत सी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताया, अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस की, तो एक बार को उसको एक्सेप्ट करके, पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना करके, कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया और आपसे रन कर गए, ओके। तो उन सब चीज़ों को भी उनके माइंड में बार बार पॉपअप किया जा रहा है और वो इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। द फूल की जो एनर्जी मैंने देखी है रिवर्स्ड में आई है, मतलब कि जो
एक होता है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, वो आप डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जहां उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था थर्ड पार्टी को लेकर, बहुत कुछ उस थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने लॉस किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंसल्ट उन्हें फील हुई है, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में जाना, डिप्रेशन में जाना, ट्रॉमा क्रिएट करना, या बहुत ही ज्यादा लाइफ को इम्बैलेंस करना, थर्ड पार्टी का जो काम था उन सब चीजों को उन्होंने बहुत महत्व दिया था पास्ट में, ठीक है। एक द वर्ल्ड की भी एनर्जी निकल के आई है, जो थर्ड पार्टी को उन्होंने द वर्ल्ड समझा था, पूरी दुनिया समझा था, अपनी खुशी समझे थे, तो अब उन सब चीजों से ऊपर उठ रहे हैं और ये अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन पास्ट में ज्यादा जा रहे हैं, ताकि वो चीजों को समझ सके, चीजों को बेटर कर सके आने वाले टाइम में। तो इधर डिवाइन मैस्कुलाइन का ना फोकस डिवाइन फेमिनाइन पे है, ना ही उनकी कार्मिक पे, वो अपने पास्ट में जाकर देख रहे हैं कि उन्होंने आखिर क्या क्या था, ठीक है। अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोडिपेंडेंसी भी नहीं है थर्ड पार्टी को लेकर, या ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी नहीं होगी तो वो रह नहीं पाएंगे या अपना जीवन पूरा बिता नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है डिवाइन मैस्कुलाइन की। क्योंकि अवेकनिंग में जब आप आते हो ना, तो आपका कनेक्शन जो है डिवाइन से जब कनेक्ट होने लगते हो, 3D की जो चीजें हैं बहुत छोटी लगने लगती हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी, मतलब ऐसा नहीं है उनका महत्व नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि आप 3D की चीजों से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहें, ठीक है। जो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, मैरिज करना, या बहुत ज्यादा सोसाइटी का फियर है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उन सब चीजों में ट्रैप रहना, ठीक है, दूसरों को ज्यादा महत्व देना, तो वो अब आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की सारी डीप क्लिंजिंग चल रही है, हर एक लेयर उतर रही है जो उनके ऊपर चढ़ चुकी थी, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड की क्लिंजिंग, उनकी कॉन्शियस काफी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल पाथ पे काफी आगे बढ़ रहे हैं। आपको अगर इस टाइम में बहुत ज्यादा स्नैक दिख रहे हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ड्रीम में कुछ पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या आपको कुछ फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आपको ऐसा भी दिख सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे स्टेटस पोस्ट डाल रहे हैं जहां स्पिरिचुअल से कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ा है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कुछ ना कुछ कनेक्ट करके वो स्टेटस लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में, बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, आपसे भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं, ये डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं। अगर सेपरेशन में आप चल रहे हैं, आप ब्लॉक कर रखा है डिवाइन मैस्कुलाइन ने, या किसी तरीके से आपका कांटेक्ट नहीं है, तो आप ऐसी चीजें देख सकते हो इस टाइम में। तो ये आपको एक साइन दिया जा रहा है, आपको 96 बहुत ज्यादा दिख रहा है, या 969 या 696 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो कर्मा क्लिंजिंग बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है आपके पार्टनर की तरफ, कार्मिक तेजी से जा रहे हैं, ठीक है। अगर कार्मिक है भी जो उसने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रखा था, डरा कर रखा था कि मैं ये कर दूंगी या वो कर दूंगी, या डिवाइन मैस्कुलाइन निकलना भी चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक धमकी देना, ये डरा कर रखना कि नहीं ऐसा तुम कर ही नहीं सकते, तो ये कब होता है, जब आप फियर से डील कर रहे होते हो, आपके लोअर चक्रास कहीं ना कहीं क्लिंज नहीं होते हैं, आप पावरलेस फील करते हो, हेल्पलेस फील करते हो, ठीक है, एक फियर वाली एनर्जी से डील करते हो, तो ये सारी क्लिंजिंग चल रही है। इसकी वजह से डीएफ भी कुछ पेन फील कर सकती है, कि आपको बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, आपके शोल्डर के आसपास बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, नेक के आसपास बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा ऐसा फील करेंगे कि जैसे कि आप सुबह बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हो, तो शाम को आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, या शाम को बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हो तो सुबह आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, मतलब अचानक किसी भी टाइम आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, अचानक से आपका फेस का कलर है एकदम से डार्क दिख रहा है, ठीक है, डार्क सर्कल दिख रहे हैं, या आपकी बॉडी, आपका जो ऑरा है बहुत ज्यादा, आपको अचानक से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, आपको सांप की ड्रीम आ सकते हैं, आपको शेर के ड्रीम आ सकते हैं, हॉर्स की अगर आपको कहीं इमेज दिख रही है, शेर की इमेज दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का साइन है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है,
ठीक है, आप भी अब पहले से बहुत ज़्यादा फियरलेस फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, आप उसमें अब इम्बैलेंस नहीं हो रहे हो, ट्रिगर नहीं हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको चीज़ें पीछे खींच कर नहीं ले जा रही हैं, आपको जो चीज़ें रोकने की कोशिश करती थी, अगर वही चीज़ अगर आपके सामने है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ उसका सामना कर रहे हैं, तो ये भी बैलेंस होता है, क्योंकि कभी भी लाइफ स्मूथ नहीं रहती है, चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, बट आपके अंदर वो पावर आ जाती है, वो करेज आ जाता है उन चैलेंजेस को फेस करने का, ठीक है। तो बहुत सी डीएफ के साथ ये भी होगा कि अब आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो सबको, ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ चुके हो, तो आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो रही है, आप अपने यूनियन की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। और जब आपकी अवेकनिंग होने के बाद डीएम की भी अवेकनिंग आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं यूनियन की तरफ तो हो, बट आपको हर एक लेवल पर बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डीएफ अब ना तो आप ट्रिगर हो रहे हो अपने पार्टनर से, अपनी लाइफ की पर्सनल जो आपकी लाइफ में ट्रिगर्स मिलते हैं थर्ड पार्टी से, या आपकी फैमिली से, या आपके डीएम से, या आपके थॉट ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हो, ये मैं डीएफ की बात कर रही हूँ। बट आपको अभी जो पेन हो रहा है, आप जो पूरे टाइम में किसी भी टाइम इम्बैलेंस हो जाते हो, तो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग का कहीं ना कहीं साइन है, जिसकी वजह से आप लो फील करने लगते हो एकदम से, ठीक है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, बॉडी पेन होने लगती है, माइंड एकदम ट्रैप फील होने लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है, किसी तरीके का कोई ट्रिगर भी नहीं है, कोई परेशान भी नहीं कर रहा है। तो डीएम के साथ भी यही है कि वो थर्ड पार्टी सब ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से भी परेशान नहीं, वो अपनी खुद के अंदर जाकर देख रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन ऑफ डिवाइन से कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। वो भी जो उनको एक अकेलेपन में रहना या अकेले टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता था, समय फ्रेंड के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, थर्ड पार्टी के साथ रहना, ठीक है, खुद को टाइम नहीं देना, डीएफ की तरफ नहीं देखना, अपनी जर्नी पर फोकस नहीं करना, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे नहीं बढ़ना, जो मैट्रिक्स ट्विन भी हैं डीएम हैं, वो भी इस टाइम में कहीं ना कहीं अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, ठीक है। और जो मैट्रिक्स ट्वीन है, जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, फैमिली हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गया, करियर हो गया, पैसा हो गया, इन सब चीज़ों के पीछे जो डीएम भागते थे, वो भी इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ में आप उनको देख सकते हैं कि उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिनके भी ट्वीन बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ओके, क्योंकि कितना भी ट्विन मैट्रिक्स हो, आपका डीएम कितना भी मैट्रिक्स हो, डीएफ हीलिंग करके अपना इनर वर्क करके उसकी जागृति कर ही देती है, और आप पूरी हीलिंग करने के बाद, एफर्ट डालने के बाद, अगर इधर से कोई असर नहीं होता है, तो डिवाइन अपने अकॉर्डिंग अपने द्वारा आपके पर्सन की अवेकनिंग कराते हैं, और जब डिवाइन अवेकनिंग कराते हैं तो आप जानते हैं उनको कैसे डीएम की अवेकनिंग करानी है, कैसे डीएम को सही पाथ पे लाना है, और कैसे आपका यूनियन होना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फियर में नहीं रहना है, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है, और इस एनर्जी में नहीं जाना है कब डीएम अवेकन होंगे, कब यूनियन होगा, और ऐसी एनर्जी में डीएफ है भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ रही हैं अनकंडीशनल लव के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, बैलेंस के साथ, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि अब आप अपने यूनियन की ओर बढ़ चुके हैं, और ये यूनियन आपको बहुत जल्दी देखने को भी मिलेगा अपनी जर्नी में, जो डीएफ इस एनर्जी में है, जो मैंने अभी बताया है आपको। तो अगर आप ये सब फील कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हैं, और आप अपना इनर वर्क करते रहिए, हीलिंग करते रहिए। तो आज की जो एनर्जी थी मैंने आपको बताई, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।